हेलो क्लास, आज हम लोग सॉल्यूशन से वीडियो नंबर 21 के माध्यम से ऑस्मेटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। ऑस्मेटिक प्रेशर को परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर को परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण दाब क्या होता है, इसको समझने के लिए, ये परासरण दाब क्या होता है इसको समझने के लिए हमें डिफ्यूजन के बारे में सामान्य सी जानकारी और ऑस्मोसिस के बारे में सामान्य सी जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सॉल्वेंट भी मूव करता है, सॉल्यूट भी मूव करता है। सॉल्यूट मूव करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मूव करता है, केवल सॉल्वेंट मूव करता है, वो भी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि डिफ्यूजन में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है। डिफ्यूजन के लिए SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। चलिए, हम लोग ऑस्मोसिस को पहले से समझ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है। ऑस्मोसिस में जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सपोज दैट ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां सॉल्वेंट है यानी लोअर कंसंट्रेशन LC, और यहां सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब यहां हायर कंसंट्रेशन है, यहां लोअर, यहां हायर। हम सॉल्वेंट के लिए लोअर कंसंट्रेशन टर्म क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं इसमें कोई सांता है ही नहीं, और ये सॉल्यूशन है, इसमें जो सांता होगी वो सॉल्वेंट की तुलना में अधिक होगी। अब क्या होगा, जैसे ही सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे सेपरेट करके रखते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और मूव करने के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है सॉल्वेंट, और यह प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों ओर की सांद्रताएं इक्वल नहीं हो जाती। चलिए, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बिना किसी कारण के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के तो नहीं जा रहे होंगे। आज एक समस्या है मजदूरों की, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों से वर्कर्स मूव कर रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की ओर, तो उसका कारण क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहर इसलिए गए हुए थे कि
कि वो वहां अपनी रोजी रोटी कमा सकें और अपना जीवन स्तर गांव से थोड़ा सा बेहतर कर सकें। लेकिन आज क्या है, उन्हें वहां रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका भरण पोषण वहां नहीं पॉसिबल है, तो वो सोच रहे हैं कि शहरों के जीवन स्तर से तो गांव का जीवन स्तर ही ठीक है, कम से कम भूखों तो नहीं मरेंगे। इसलिए ये मूवमेंट हो रहा है। यहां भी एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहां सॉल्वेंट जो कि इधर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, और उसको रोकने के लिए कौन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो रोक रही है फिर भी उसको रोक नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। जाहिर सी बात है कि यहां कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स, कोई प्रेशर यहां क्रिएट हो रहा है जो सॉल्वेंट को खींच रहा है अपनी ओर, सॉल्वेंट को खींच रहा है अपनी ओर सॉल्यूशन, है ना। कोई बल होगा, कोई फोर्स, कोई अट्रैक्शन, कोई प्रेशर, कुछ तो होना चाहिए। उसी प्रेशर को जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसी को बोलते हैं परासरण दाब, इसी को बोलते हैं हम लोग परासरण दाब। चलिए, अब हम परासरण दाब के बारे में चर्चा करते हैं। तो परासरण दाब के संबंध में कई प्रकार से कई वैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। परासरण दाब को डिफाइन करने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, और हम उनके प्रयासों को एक एक करके पढ़ेंगे। एक जिन्हें डेफिनेशन नंबर 1 कहते हैं, डेफिनेशन पहली परिभाषा। परासरण दाब के संबंध में कई परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए। हम लोग डेफिनेशन 1 की बात करते हैं। परासरण दाब क्या है, परासरण दाब के बारे में कहते हैं, परासरण दाब एक तरल स्थैतिक दाब होता है। परासरण दाब के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है तरल स्थैतिक। ये परासरण दाब जो है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, परासरण दाब एक तरल स्थैतिक दाब होता है। तरल, ये तरल शब्द क्यों, तरल का मतलब होता द्रव से, तरल स्थैतिक दाब होता है जो किसी विलायक यानी सॉल्वेंट, विलायक को विलयन से और विलायक को विलयन से, ये SPM है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक करने पर उत्पन्न होता। जैसे ही आप किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करेंगे तो एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब। और उस परासरण दाब के कारण विलायक के अणु लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगते हैं। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन नंबर 1 है कि परासरण दाब वह तरल स्थैतिक दाब है जो किसी विलायक को विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। इसको लिखेंगे प्रथम परिभाषा, परासरण दाब वह तरल स्थैतिक दाब है जो किसी विलायक को
विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन नंबर एक है। अगर इसको हम शब्दों में लिखना चाहें तो हम इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम इसके लिए कुछ शब्द यहाँ नोट कर देते हैं जिससे छात्रों को आसानी हो। और छात्रों से एक निवेदन है कि वो अपना शिक्षण शुल्क विद्यालय में जमा कर दें। ठीक है, तो पराशर दाब के संबंध में जो पहली परिभाषा है उसको हम अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पराशर दाब वह तरल स्थैतिक दाब है जो किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। मतलब पराशरण दाब वह तरल स्थैतिक दाब है जो किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। पराशरण दाब वह तरल स्थैतिक दाब है जो किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं हम लोग डेफिनेशन नंबर वन। ये पहली परिभाषा पराशरण दाब के संबंध में। चलिए अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। पराशरण दाब की डेफिनेशन नंबर दो, दूसरी परिभाषा, थोड़ा सा शब्द में अंतर है, शब्दों में अंतर है थोड़ा सा, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेशन टू। दूसरी परिभाषा कहती है जब किसी विलायक को विलयन से, दूसरी परिभाषा डायग्रामेटिक तरीके से पहले देख लें, जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये मैंने अर्धपारगम झिल्ली बना दी है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ASPM सेमी परमियबल मेम्ब्रेन। जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है तो विलायक के अणुओं का, ये विलायक के मॉलिक्यूल इस तरफ होंगे, विलायक के अणुओं का विलयन में पराशरण हो रहा होता है और इस पराशरण को रोकने के लिए इस विलयन के तल पर जो दाब, जो प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, क्यों किया जाता है उसका कारण समझिए। जब विलायक के अणु इधर की ओर चलते हैं तो विलयन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, आयतन बढ़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि विलायक के अणु विलयन में ना जाएं, तो हम विलयन पे इतना दाब क्रिएट कर दें कि विलायक के अणु विलयन में प्रवेश ना कर सके। उसी समय जो दाब हम यहां क्रिएट करेंगे वह दाब इसके पराशरण दाब के बराबर होगा, विलयन के पराशरण दाब। मतलब विलायक के अणु इधर से इधर की ओर मूव करेंगे, जाहिर सी बात जैसे ही विलायक इधर मूव करेगा तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। अब हम विलयन का आयतन बढ़ने न दें, उल्टा इतना प्रेशर क्रिएट कर दें इस पर कि आयतन सीमित रहे, बिल्कुल न बढ़ पाए, तो जितना दाब हम यहां क्रिएट करेंगे वह दाब जो है विलयन के पराशरण दाब के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को फिर से बोलते हैं, जब किसी विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है
तो विलायक के अणुओं का विलयन में परासरण रोकने के लिए विलयन के तल पर जो दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब के बराबर होता है। अब हम इस डेफिनेशन को लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को नोट्स बनाने में सुविधा हो जाए। जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है तो विलायक के अणुओं का विलयन में परासरण रोकने के लिए विलयन के तल पर जो दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब के बराबर होता है। ठीक है, जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है तो विलायक के अणुओं का विलयन में परासरण रोकने के लिए विलयन के तल पर जो दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब के बराबर होता है। ठीक है, ये परासरण दाब की परिभाषा। अगले वीडियो लेक्चर वीडियो नंबर 21 में हम परासरण दाब मापने की किसी विधि का वर्णन करेंगे।